नमस्कार दोस्तों, वेदांत हाउस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उत्तपम बनाने की विधि बताने के लिए आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और आप घर में जितने भी सब्जियां हैं आप उसके अकॉर्डिंग बना सकती हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ सूजी लिया है, जिसको आप रवा भी बोलते हैं। ये एक कटोरी है और इसमें हम डालेंगे एक टमाटर, जो कि मैंने ये देखिए बारीक कट करके रखा है। और ये है बंद गोभी, जिसको मैंने कट करके बहुत छोटे छोटे कट करके रखे हुए हैं। और ये है एक प्याज, इसे भी मैंने कट करके रखा है, छोटे छोटे कट कर दिया है। और ये है नमक, जो कि आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। ये है शिमला मिर्च, इसे भी मैंने एक आधा शिमला मिर्च को कट करके रखा हुआ है। और ये है दही, ये एक कटोरी अगर रवा है तो उसी के अकॉर्डिंग एक कटोरी दही भी है। और ये रहा मिर्च, ये मैंने दो चार मिर्च हैं जिसको मैंने छोटे छोटे कट कर दिए हैं। और ये है लहसुन का पेस्ट, जिसको आप पेस्ट बना के और इसमें डाल सकती हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रवा में डालेंगे दही। ये देखिए, इसमें दही मैंने डाल दिया है, इसको मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक, ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। ये देखिए, मैंने दो चम्मच, छोटे चम्मच से दो चम्मच ऐड किया है। और ये है मिर्च, इसे मैंने अभी डाल दिया है। और ये है लहसुन का पेस्ट, इसे मैंने ऐड कर लिया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये आप देख सकती हैं कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, अभी इसे हम थोड़ा पतला करेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल आप डोसे के बैटर के जैसे बना सकती हैं। थोड़ा और आएगा इसमें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। और आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। अब है ये हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसे बनाएंगे। ये देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है और ये पैन रख लिया है मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जो कि बहुत ही थोड़ा सा होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है। इसको भी फैला लेते हैं इसमें। फैला लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा पैन गरम हो चुका है और अब हम इसमें बैटर को डालेंगे। ये थोड़ा मोटा ही रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से इसे फैला लेते हैं। और इसके ऊपर हम सब्जियों को डालेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बंद गोभी को डाला है। थोड़ा सा प्याज डालेंगे इसके ऊपर। आपको जितना चाहिए उतना आप डाल सकती हैं।
थोड़ा सा बारीक टमाटर भी डालेंगे कलरफुल इसका होने के लिए। ये देखिए, और आंच को बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये देखिए, बहुत सुंदर कलरफुल होके आता है ये। इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम तेल ऐड करेंगे, रिफाइंड तेल। और इसको थोड़ी देर के लिए सेकने के लिए, लाल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम पलट देंगे। बिल्कुल आसान तरीके से ये छोड़ देगा और ये रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको पलट सकते हैं। थोड़ा सा और तेल ऐड कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा पुश करके दबा दबा कर इसको हम पकाएंगे। थोड़ा सा आंच को कम कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकती हैं और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला ये डिश है। आप ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा वो ज़रूर आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। अब इसको हम पलट देते हैं। ये देखिए, ये हमारा पक चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा इंस्टेंट रवा उत्तपम तैयार है बनके। आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में और बनाएं, अपने फैमिली को खिलाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।